हमने आज एशले रिबेलो जो स्टाइलिस्ट है सलमान खान के, उनको हमने आज बुलाया था। और हमारे बुलाने का ये पर्पस था कि उनका जो एक्सपीरियंस है बॉलीवुड मूवीज़ में, बाकी डिज़ाइनर बच्चों के साथ अपना अनुभव शेयर करें। उन्हें आज हमारे को बहुत अच्छे से बच्चों को समझाया कि बच्चे आगे स्तर पे बॉलीवुड में अपना खुद का बूटी या कैसे अपना करियर बना सकते हैं। तो हमारा सबसे प्लस पॉइंट ये था कि वो कुछ OTT प्लेटफॉर्म में भी कुछ चीज़ें कर रहे हैं, और अभी 2 या 3 मूवी सलमान खान के साथ भी कर रहे हैं वो। तो हम चाहते एज अ असिस्टेंट हमारे कुछ बच्चों भी उनको पसंद आए, और वो हमारे कुछ बच्चों को, नागपुर के बच्चों को मूवीज़ में चांस देंगे अब एज अ असिस्टेंट, अपना असिस्टेंट लेके। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपोजर रहेगा नागपुर NIFD के बच्चों के लिए। और हम एशले जी को थैंक्स बोलना चाहते हैं कि उनने यहाँ पे आया और हमारे कुछ बच्चे को सिलेक्ट किया है OTT प्लेटफॉर्म और अपना मूवीज़ में असिस्ट करने के लिए उनको। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बच्चों की, और हमारे टीचर्स की कड़ी मेहनत, बच्चों की कड़ी मेहनत है, और हम चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छा नाम करें, नागपुर के बच्चे पूरे देश में। हाय, मैं एशले रिबेलो और मैं आई हूँ बॉम्बे से। मैं पिछले 30 साल से फिल्म इंडस्ट्री लाइन में काम कर रहा हूँ, जो सलमान खान के साथ और अलग 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 एक्टर्स के साथ। मैं आया हूँ नागपुर में INIFD की तरफ से, यहाँ पर एक वन डे वर्कशॉप करने के लिए आया हूँ, और जहाँ पर हम अलग अलग सिचुएशंस को और अलग 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 सिचुएशंस और अलग अलग सब चीज़ों को मैलगमेट करते हैं, और स्टूडेंट्स को यही प्रोत्साहन देते हैं कि कैसे एक नए छोटे पैमाने पर आप शुरू कर सकते हैं अपने खुद का काम। यहाँ पर क्या है क्या नहीं है जो आपके फेवर में होते हैं, कैसे इस फिल्म इंडस्ट्री लाइन में आना है आपको, अगर आपको आना है तो कैसे, किस तरीके से आप आ सकते हैं, और किस तरीके से छोटे पैमाने पर आप शुरू कर सकते हैं अपने खुद का, या तो बुटीक या तो अपना खुद का काम, और कई जैसे जो कठिनाइयां हैं जो स्टूडेंट्स के जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं उनको सॉल्व करने का पूरा के पूरा आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू हेल्प देम आउट विद दिस। और पिछले 18 साल से मैं INIFD के साथ जुड़ा हूँ, और एक मेंटर की तौर से स्टूडेंट्स को अलग अलग हम लोग प्रोग्राम करते हैं, जैसे कि फैशन शोज करते हैं, जैसे कि आज भी स्टूडेंट्स जो आए थे उन्होंने पुराने कपड़े के साथ एक नयापन उन्होंने किया, जो लाइक सस्टेनेबिलिटी जिसे बोलते हैं और रिसाइकल जिसे बोलते हैं। तो मैं तो हैरान हो गया था कि ये स्टूडेंट्स जो नागपुर के ही है INIFD के, इतने टैलेंटेड हैं, और किस तरीके से उन्होंने पुराने कपड़े को नया बना दिया। मैंने एक्चुअली, एक लड़की तो बूट्स पहन के आई, तो मैंने बोला वाह वाह लवली बूट्स, पर फिर मैंने देखा वो एक्चुअली जीन्स कटा हुआ था। तो मैं खुद हैरान था कि इतने टैलेंट है यहाँ पर एक दिशा देने के लिए मैं यहाँ पर आया।